नमस्कार दोस्तों, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं धर्मेंद्र संधू स्वागत करता हूं। धार्मिक पुराणों के अनुसार मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। मां दुर्गा के इन रूपों की पूजा व उपासना के लिए नवरात्रि का पावन पर्व पूरे भारत में श्रद्धा व उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस दौरान भक्तों द्वारा 9 दिनों तक व्रत भी रखा जाता है। नवरात्रि के व्रत व 9 दिनों तक मां के 9 रूपों की पूजा के दौरान कुछ खास बातों का ध्यान रखा जाता है। नियमों के अनुसार कुछ ऐसे काम है जो पूजन व व्रत के समय नहीं करने चाहिए। मान्यता है कि यह काम करने से पूजा व व्रत का फल नहीं मिलता। नवरात्रि के व्रत व पूजन में इन बातों का रखें ध्यान। अखंड ज्योति जलाकर अकेला ना छोड़ें घर। अगर घर में अखंड ज्योति जलाई गई है और कलश की स्थापना की गई है तो अधिक समय घर पर ही रहें। अगर कहीं बाहर जाना भी पड़े तो घर का कोई एक सदस्य जरूर घर पर हो। कहने का मतलब है कि इस दौरान घर को पूरी तरह से सूना ना छोड़ें। जमीन पर सोएं। माता की अखंड ज्योति जलाने के बाद 9 दिनों तक जमीन यानी फर्श पर ही बैठें और सोएं। नवरात्रि के दौरान 9 दिन तक व्रत रखने वाले लोगों को बाल कटवाने से परहेज करना चाहिए। खासकर पुरुषों को अपने बाल और दाढ़ी मूछ नहीं कटवाने चाहिए, लेकिन नवरात्रों में बच्चों का मुंडन करवाना शुभ माना जाता है। इस दौरान नाखून काटना भी अशुभ माना जाता है। व्रत में करें ये भोजन। व्रत रखने पर पूरे 9 दिनों तक सात्विक भोजन ही करना चाहिए। भोजन में अनाज और नमक का प्रयोग ना करें। व्रत के दौरान कुट्टू का आटा, सिंघाड़े का आटा, समारी के चावल, साबूदाना, आलू, मूंगफली और फलों का सेवन किया जा सकता है। ऐसे भोजन का ना करें सेवन। नवरात्रि के व्रत रखकर घर में ज्योति जलाकर सात्विक भोजन ही करें। खाना बनाते समय प्याज और लहसुन का प्रयोग ना करें और नॉन वेज का सेवन तो बिल्कुल ही ना करें। इसके अलावा विष्णु पुराण में बताया गया है कि नवरात्रि व्रत के दौरान दिन में नहीं सोना चाहिए। नशीले पदार्थों के सेवन से भी बचना चाहिए। मान्यता है कि उपरोक्त बातों का ध्यान ना रखने पर व्रत का फल प्राप्त नहीं होता। चमड़े की बनी वस्तुओं का ना करें इस्तेमाल। व्रत के दौरान चमड़े की बनी हुई वस्तुओं का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। खासकर चमड़े के बने जूतों, बैग व बेल्ट का प्रयोग ना करें। हो सके तो स्वच्छता की दृष्टि से और मर्यादा के अनुसार नंगे पांव ही रहें। नवरात्रि के व्रत रखने वालों को काले रंग के कपड़े पहनने से भी बचना चाहिए। सो दोस्तों, यह थी नवरात्रों के पूजन व व्रत से जुड़ी जानकारी। नई जानकारी लेकर फिर आपके रूबरू होंगे। जुड़े रहिए D5 चैनल हिंदी के साथ।